नाजरीन मजीद आगे बढ़े और आपको बताएं कि वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए बुरी खबर। वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों पर शहरियों को जुर्माने के साथ साथ जेल की हवा भी खाना पड़ेगी। तफसीलात देखिए लाहौर से आजम बाजवा की इस रिपोर्ट में। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए बुरी खबर। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर असद इजाज मल्ली ने बड़ा ऐलान कर दिया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर का कहना है कि वन वे की खिलाफ वर्जी करने पर अब 2000 रुपए जुर्माने के साथ साथ वायलेटर को जेल की हवा भी खाना पड़ेगी। सबसे बड़ी वजूहात जो में से एक वजह है वन वे की वायोलेशन, तो इससे ना सिर्फ वन वायोलेटर अपनी जिंदगी को खतरे में डालता है बल्कि बाकी रोड यूजर्स को भी खतरे में डालता है। तो बेसिकली उस चीज को रोकने के लिए हम ये कार्रवाई स्टार्ट करने जा रहे हैं। एसपी ट्रैफिक शहजाद खान ने शहरियों से अपील करते हुए कहा कि शहरी ट्रैफिक कवानीन को अपनाएं ताकि ट्रैफिक के मसाइल पैदा ना हो। ट्रैफिक पुलिस पूरी अपनी कोशिश के साथ ये कोशिश करेगी कि किसी जगह पे भी वायोलेशन ना हो, और इसी में डेटरेंस क्रिएट करने के लिए ये चीज की गई है कि FIR दर्ज की जाएगी 279 पाकिस्तान पीनल कोड की। पैगाम मेरा सिंपली यही है कि लॉ को ओबे करें। जब आप कानून की पासदारी करेंगे तो आपकी अपनी जान भी जो है वो उसकी भी हिफाजत होगी और दूसरे की जान की भी हिफाजत होगी, एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। जबकि ट्रैफिक इंस्पेक्टर मैडम फहमीदा ने कहा कि सिटी ट्रैफिक पुलिस के तमाम इकदाम शहरियों की बेहतरी के लिए हैं। ये ऐलान करने की वजह ये है कि सर लोगों में उनके रवैयों को चेंज करने की जरूरत है। हमारी काविशें जारी रहेंगी इंशाल्लाह ताला। ट्रैफिक कवानीन आगाही के मौका पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर असद इजाज मल्ली की जानिब से लिबर्टी गोल चक्कर पर मोटरसाइकिल सवारों में हेलमेट भी तकसीम किए गए। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी महज़ब कौमों का पेशा है। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करते हुए हम अपनी जिंदगी के साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी महफूज बना सकते हैं। कैमरामैन नदीम खोखर के साथ आजम बाजवा, रोज न्यूज़ लाहौर।